मंगलीपुरवा स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में व्यापक तौर पर स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालय के शिक्षक शिक्षकों तथा बच्चों के द्वारा मंगलीपुरवा सेयापुरवा रेलवेगंज के दुकानदारों तथा मोहल्ले वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा घरों दुकानदारों पर स्वच्छता के स्लोगन लिखे गए और पोस्टर लगाकर उनसे अपने आसपास को और स्वयं को साफ सुथरा रहने के लिए अपील की गई। विद्यालय संस्थापक अखिलेश सिंह ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और सभी बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान भारत मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए तथा अपने आसपास सभी लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि गंदगी ना फैलाए तथा ना किसी को फैलाने दे। विद्यालय के प्रबंधक मुकेश सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान भारत द्वारा चलाया जा रहा सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता के लिए आयोजित एक प्रतिज्ञा समारोह की शुरुआत की थी। देश भर से आए हुए लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी श्रृंखला में विद्यालय के बच्चों ने भी दुकानों पर जाकर पोस्टर लगाए और लोगों को जागरूक किया है कि ना ही गंदगी करे और ना ही किसी को करने दे। सभी लोगों से संकल्प लिया गया है कि ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। इस अभियान में विद्यालय की प्राचार्या लक्ष्मी देवी, शिक्षिका कविता गुप्ता, विनीता शुक्ला, अर्पिता सिंह, सोनम शुक्ला, आरती वर्मा, पूजा सुधा गुप्ता, सानिया पायल, कोमल, नजरीन, रेखा रानी, प्रज्ञा सोनी, मनसा वाजपेयी, शीलू, साक्षी सुहानी, रंजना, राशि गुप्ता तथा शिक्षक राम प्रकाश पांडे, उदय शुक्ला, संजय गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, देवेश प्रसाद सिंह, भूपेश सिंह, अभिनव गुप्ता, शुभम सिंह आदि मौजूद रहे। उसके पूर्व विद्यालय के संस्थापक अखिलेश सिंह ने ध्वजारोहण किया और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वच्छता अभियान नामक एक योजना चलाई है जिसमें हम लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया गया। एक तरफ तो हम इस धरती को माँ मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस धरती पर गंदगी फैलाते हैं, उस पर कूड़ा फैलाते हैं, उस पर थूकते हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगी कि अगर स्वच्छता नहीं अपनाओगे तो बीमारियाँ ही पाओगे। ये देश तो आपका अपना है, इसे नहीं भारत इस भारत को नहीं तो किसे बचाओगे। इसलिए स्वच्छता अपनाइए और गांधी जी के सपने को साकार करिए और एक कदम स्वच्छता की ओर भी बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। और आज हमारे विद्यालय में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत सारे स्टिकर्स दुकानों पर चिपकाए गए ताकि लोग हमें देखकर प्रेरित हों और ताकि हर जगह हम लोग जैसे कुछ भी खाते पीते हैं उसके रैपर्स जो हैं हम लोग फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है और उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, बाहर जगहों पर नहीं, ताकि स्वच्छता बरकरार रहे। आज हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाई गई जिसमें हम सभी को बहुत कुछ बताया गया। स्वच्छ भारत के चलते हुए हमने सभी दुकानों पर जाकर पोस्टर लगाए और सभी को बताया कि प्लास्टिक बैग की जगह पे कैरी बैग्स का प्रयोग करें और हम जब घर से बाहर निकलें तो अपना खुद का एक बैग लेकर निकलें जिससे हमें प्लास्टिक की पॉलिथीन ना लेनी पड़े। हम बस यही जागरूक करना चाहते हैं आप सभी को कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें और प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करें। धन्यवाद।